नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और हम लोगों ने आप लोगों के लिए जो QA सेक्शन चालू किया था, इसमें आप लोगों के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का हम लोग जवाब देते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ट आंसर दिया जाए, ताकि आप लोगों का फ़ायदा जो है, आप लोग हमारे चैनल का फ़ायदा उठा पाएँ और चीज़ों को रिसर्च करके अपना व्यापार चालू कर पाएँ। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारे पास आया है कि ये हरियाणा के रहने वाले हैं और वहाँ पे बीड़ी का बिजनेस करते हैं, तो इनको जानना है कि सर वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा फैक्ट्री कहाँ है बीड़ी बनाने की। तो देखिए, इनको जानना है कि सबसे ज़्यादा बीड़ी फैक्ट्री यानी बीड़ी का जो वर्क होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है वेस्ट बंगाल में। तो देखिए, वेस्ट बंगाल में यार बीड़ी का बिजनेस बहुत ही जगह से ही होता है, चलता है, मगर मुख्य जो है, सबसे मेन जो हेड है वो है आपका मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में अगर आप जाते हैं तो मेन स्टेशन है उसका जैसे बहरमपुर, और बहरमपुर सिटी से लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर जाइएगा तो धुलियान बोल के सिटी है, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बीड़ी का जो फैक्ट्री है बोलिए या घर में काम होता है बोलिए, ये होता है। यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं होता है, फैक्ट्री इन द सेंस कि वहाँ पर असेंबलिंग होता है, लोग ज़्यादातर अपने घर में ले जाके बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं और घर में बना के ला के फिर जाके वो चीज़ों को देते हैं लोगों को, और फिर वहाँ से पब्लिक जो है उसको इकट्ठा करके अपने यहाँ पे पैकिंग करके, फैक्ट्री समझिए फैक्ट्री की तरह, उसके बाद फिर उसको कंपनियों में अलग अलग ब्रांड में भरा जाता है, जो भी जिसका ब्रांड है उसका वो ब्रांड रजिस्ट्रेशन, एक्साइज नंबर, GST, ये सारा कुछ चेक करके, और उसके बाद वहाँ से पूरे इंडिया में ही ट्रांसपोर्ट होता है। तो अगर आप धुलियान जाइए मुर्शिदाबाद में, अगर आपको ज़्यादा बड़ा डील करना है आप औरंगाबाद जाइए, आप फिर से आपका झालदा जाइए पुरुलिया में, ये 4-5 जगह है जो बंगाल में सबसे ज़्यादा बीड़ी का काम होता है और घर घर में होता है। और अगर आपको मान लीजिए हमारे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू जाना है, कि हमारे थ्रू अगर आप किसी फैक्ट्री में जाना चाहते हैं जहाँ मान लीजिए आप सिक्योर रहें या आपका पैसा भी सेफ रहे और किसी तरीके का गलत कोई एक्टिविटीज़ या गलत कोई काम आपके साथ ना हो पाए, तो फिर आप हम लोगों के व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग वहाँ पे 2-3 लोगों को जानते हैं जो हमारे साथ टाई अप है और फैक्ट्री लगाए हैं उन लोगों का, तो वहाँ जाके आप डायरेक्ट देख के कैसे काम हो रहा है नहीं हो रहा है, उन लोगों से अपना रेट बात करके, बार्गेनिंग करके, जो भी आपका एग्रीमेंट होता है पूरे साल का एग्रीमेंट करके आप चीज़ों को ले सकते हैं और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ कंपनीज का नाम भी दे दूँगा जिसका कॉन्टैक्ट हम लोगों के साथ है, अगर आप लोग चाहते हैं तो फिर उनसे मिलके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और अपने एरिया में ब्रांड अगर आपको बनाना है तो ब्रांड बना के आप चाहें तो मार्केट में अपने ब्रांड को उतार सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। हम लोग इसके साथ साथ लाइसेंसिंग का भी काम करवाते हैं, जैसे ट्रेडमार्क हो गया, GST हो गया या एक्साइज लाइसेंस का एप्लीकेशन हो गया, ये सब भी इसमें ज़रूरी होता है तो उसका भी काम करवाते हैं। अगर आपको ब्रांड है या मान लीजिए फ़िल्टर आपको चाहिए होगा, बीड़ी से रिलेटेड जो फ़िल्टर आजकल नया मार्केट में चला हुआ है, तो उसका भी हम लोग सोर्सिंग करवाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको हमारे एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, चाहे आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में हो और काम करना चाहते हैं बंगाल से, तो हमारे पास आइए, हमारा एक सिंगल यूनिट आपको हर एक चीज़ अवेलेबल करवा देगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।